एवरीवन, तो फेस्टिव सीजन आ चुका है और आप लोगों को डिसाइड नहीं हो रहा है कि आईफोन कौन सा लें। तो ये है आईफोन 13। ये वीडियो आप देखिए, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आप 13 परचेज करें या 14 परचेज करें, कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर वर्डिक्ट की बात करूँ तो मैं सबसे पहले वर्डिक्ट दे देता हूँ, जो कि लोग लास्ट में देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपके लिए बेस्ट परचेज रहने वाली है इस सीज़न बिग बिलियन डेज या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, वो है आईफोन 13 की। वो क्यों, वो अब मैं आपको बताता हूँ। कैमरा यहाँ पे 13 का और 14 का एकदम सेम है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और अगर एक मेजर चीज़ की बात करें तो वो होता है प्रोसेसर, वो भी जो है 13 में और 14 में सिमिलर ही है। दोनों में यहाँ पे बायोनिक 15 ही मिलता है। तो प्रोसेसर सिमिलर है, कैमरे सिमिलर हैं, स्क्रीन सिमिलर है और बैटरी भी आपको यहाँ पे सिमिलर मिलती है। तो ऑलमोस्ट सेम फ़ोन है ये दोनों, कोई खास डिफरेंस नहीं है 13-14 में। लेकिन अगर आप प्राइस गैप देखने जाओगे तो यहाँ पे 10,000 के आसपास आपको नज़र आएगा बिग बिलियन डेज़ पे। 14 आपको ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास मिलेगा और ये अभी आ रहा है 52,500 का, जो कि सेल वेल पे मिल जाएगा। मतलब अगर अभी कार्ड लगा के लेते हो तो ये 51,000-50,000 का मिलता है। बट 13 अगर आप सेल पे लोगे, जो कि 8 तारीख से BBD शुरू हो रही है, अभी इसके रेट डिस्क्लोज़ नहीं हुए हैं, 2-4 दिन में डिस्क्लोज हो जाएंगे, बट ये मिलेगा आपको 40,000 के आसपास। मे बी इससे सस्ता भी मिल सकता है, बट 40 का तो फॉर श्योर मिलना ही है। तो 40,000 में ये वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है। इससे बेटर आईफोन आपको इस प्राइस पॉइंट पर नहीं मिलेगा। और प्लीज़ गलती मत करना आईफोन 11 वगैरह परचेज करने की, वो 4G है, उसका डिस्प्ले ख़राब है, उसका कैमरा, उसकी बैटरी, वो कोई किसी मतलब का नहीं। आईफोन 11 तो परचेज करना ही मत। 12 अगर आपको कहीं पे अच्छी डील पे मिलता है 30,000 के आसपास तो फिर बेटर है। बट आप कोशिश करो कि आईफोन 13 ही परचेज करो। बाकी न्यूली लॉन्च आईफोन्स तो काफ़ी महंगे हैं और उनका कोई डिस्काउंट खास आएगा नहीं अभी सेल पे। तो सेल पे अगर आपको कन्फ्यूज़न थी कि 13 परचेज करें या 14 परचेज करें, ट्रस्ट मी, मैं दोनों यूज़ कर चुका हूँ और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस आदमी बता भी नहीं सकता इन फोन्स में। और ये मैंने स्किन लगवा रखी है तो वो उस वजह से ऐसा दिख रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी आपका आई होप कि कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। जो मेजर चीज़ें होती है, चिपसेट हो गया मतलब प्रोसेसर, वो दोनों में सिमिलर है, बैटरी बैकअप सिमिलर है, यहाँ पे आपको कैमरा सेम मिलता है, आपको कोई खास डिफरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग वगैरह का है, मतलब वो भी आप बहुत ही इनडेप्थ जाके चेक करोगे तो दिखेगा तो दिखेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है आईफोन 13, जो कि ज़्यादा सस्ता आपको देखने को यहाँ पे सेल पे मिलेगा। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आप सेल पे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में गैजेट्स या फिर सामान लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शॉर्ट्स में मैं सारी डील्स डालता रहता हूँ, जो भी बहुत ही अच्छी डील लगती है कि जो ग्रैब करने वाली है, मैं शॉर्ट पे तुरंत अपलोड करता हूँ कि ये डील जा करके तुरंत ही परचेज कर लो, तो वो चीज़ रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन सब कुछ दबा दो। बाकी अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।